वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टॉपिक में आईकैप के आटम 2018 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं अकमल ब्रदर्स। तो क्वेश्चन में हमें चार इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं और उसके बाद रिक्वायर्ड है कि हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और ये लेजर अकाउंट्स जो हैं वो मशीन से रेलिवेंट हैं। तो क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन ऑफ अकमल ब्रदर्स। उसके बाद हमें फोर जो इन्फॉर्मेशन दी हैं, पहली है कि बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 2017 को उसकी वैल्यू क्या है। फिर सेकंड में एक मशीन जो एक्वायर की थी उसके डिस्पोजल के बारे में बताया हुआ है। थर्ड में एक मशीन जो पहले एक्वायर की हुई थी अब उसका एक्सचेंज रिकॉर्ड होना है, तो एक न्यू मशीन आएगी, एक पुरानी की डीरेकग्निशन रिकॉर्ड होगी। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिसमें यह बताया हुआ है कि 15% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड को फॉलो करना है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो तीन रिक्वायरमेंट हैं कि आपने लेजर अकाउंट बनाना है कॉस्ट का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल का। तो हम ये तीन अकाउंट बना लेते हैं। तो आंसर हम बनाएंगे मशीन का, हमें जो है वो कॉस्ट अकाउंट बनाना चाहिए। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, यानी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। इसी में से गेन या लॉस जो भी है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वन बाय वन जो इन्फॉर्मेशन है उनको यूज़ करते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एज ऑन 1 जनवरी 2017 800,000 और 333,000 है। तो ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, इनको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। 1 जनवरी 2017 को ओपनिंग बैलेंस है 800,000 और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा 333,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया है कि एक मशीन जो एक्वायर हुई थी 1 जनवरी 2014 को, यानी इस ईयर के स्टार्ट से 3 साल पहले, और उसकी नेटबुक वैल्यू 31,935 थी। तो ऑन 1 जनवरी 2017 उसको हमने 34,000 का सेल कर दिया और 5,000 की उस पर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनकर हुई। यानी हम ये सारी डिटेल जो है ये इन्फॉर्मेशन नंबर 2 जो क्वेश्चन की है उससे देख रहे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें, सबसे पहली बात तो ये कि देखें नेट बुक वैल्यू दी हुई है 31,935 की, लेकिन कॉस्ट नहीं बताई हुई, जबकि लेजर अकाउंट तो हमें कॉस्ट का भी बनाना है। तो हम इस पर वर्किंग की तरफ चलेंगे और पहले हम एक वर्किंग बना लेते हैं। तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और हमें बुक वैल्यू पता है कि वो क्या है 31,935। और कॉस्ट जो है वो 3 साल पहले की है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि मशीन को एक्वायर किया था 1 जनवरी 2014 को और बुक वैल्यू 1 जनवरी 2017 यानी 3 साल बाद की थी हुई है। 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है कि मशीन अगर आप 100% में से 15% लेस करते जाएं तो 85% बन जाता है। तो कॉस्ट जो भी होगी उसका 85%, फिर उसका 85% और फिर उसका 85%, इन 3 टाइम्स 85% लेकर हमारे पास बुक वैल्यू आई होगी। तो जब हम इससे रिवर्स वर्किंग करेंगे तो अगर हम डिवाइड कर दें 85% से 3 टाइम्स या उसकी पावर 3 ले लें तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो ये 0.85 हमने इसलिए लिया क्योंकि 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है कि एसेट 85% पर आ जाता है। पावर 3 यहां पर इसलिए ली क्योंकि 3 साल ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। तो 52,000 की ये कॉस्ट बनती है। अब अगर हम नेट करें तो हमारे पास फिगर आ जाएगी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी 1 जनवरी 2017 को, वो कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस है, दैट इज 20065। अब हमें मजीद डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज करनी है क्योंकि डिस्पोजल की डेट जो क्वेश्चन में बताई हुई है वो है 30th अप्रैल 2017। तो 1 जनवरी तक हम आए हैं, 30th अप्रैल तक जाने के लिए हमें 4 मंथ्स की मजीद डेप्रिसिएशन लेनी होगी 15% के हिसाब से। ये बुक वैल्यू पर हमने लिया क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास आ जाएगी
21662, ये टोटल डेप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से मुराद है जो डिस्पोजल की डेट तक है। अब जब ये फिगर हमें मिल जाती है तो हमने स्टेप वाइज डिस्पोजल की अकाउंटिंग करनी है। पहली बात तो ये कि हमें कॉस्ट को ट्रांसफर कर देना है डिस्पोजल अकाउंट में। तो 30 अप्रैल 2017 को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 52,000। अब ये डिस्पोजल अकाउंट में भी शो कर देते हैं, उधर क्रेडिट हुआ है, इधर डेबिट होगा 52,000। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि हमने वर्किंग में कैलकुलेट किया डेट ऑफ डिस्पोजल तक 21662, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करने के लिए डेबिट करेंगे और इसमें डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई तो क्रेडिट क्या होगा डिस्पोजल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने आइटम जो है वो सेल कितने का किया है, तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 2 में बताया हुआ है कि 34,000 का किया है। तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन 2 में ये भी बताया हुआ है कि 5,000 की हमारी डिस्पोजल कॉस्ट लगी है, तो इनको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। डिस्पोजल कॉस्ट जब लगती हैं तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होता है और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, तो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो ये इस डिस्पोजल की जो एंट्रीज थी वो रिकॉर्ड कर दी। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 डिस्पोजल हैं तो एक ही बार हम गेन या लॉस निकाल लेंगे, वरना हम इस स्टेज पर अलग से भी गेन और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 3 पर जाएं तो उसमें है कि 1 जुलाई 2017 को एक मशीन जिसकी फेयर वैल्यू 40,000 थी और उस डेट पर उसको एक्सचेंज किया गया फॉर अ न्यू मशीन। अब ये 1 जुलाई को हुआ है यानी 6 मंथ गुजरने के बाद। बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 80,000, यानी 80,000 का हमने कैश दिया, 40,000 की फेयर वैल्यू वाली मशीन दी, यानी न्यू मशीन 120,000 पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन जो है वो 130,000 है। अब एक्सचेंज ऑफ एसेट के कॉन्सेप्ट जो हमने लेक्चर इसमें कवर किया हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि हम या कैरिंग अमाउंट यूज करते हैं या फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड को यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस रेलिवेंट नहीं है 130,000 की। हम फेयर वैल्यू प्लस जो है 40,000 की और कैश पेड है 80,000 का, तो न्यू एसेट 120,000 का रिकॉर्ड होना चाहिए। ओल्ड मशीन 65,000 की ली थी और 1 अक्टूबर 2015 को ली थी, तो यहाँ पे कॉस्ट गिवन है लेकिन बुक वैल्यू नहीं बताई हुई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो पहले हम वर्किंग में वो चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। फिलहाल हम ये जहन में रखते हैं कि हमने 65,000 की मशीन जो है वो एक्वायर की थी 1 अक्टूबर 2015 को। तो 1 अक्टूबर 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 की डेप्रिसिएशन पहले ले लेते हैं 15% के हिसाब से। 3 मंथ बनते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड दैट वुड बी 2438। फिर हमें इसमें 2016 की डेप्रिसिएशन लेनी है पूरे साल की। अब क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 65,000 की कॉस्ट में से 2438 यानी अब तक की जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करके फिर कैलकुलेशन करेंगे। पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन दैट वुड बी 9384। अब ईयर 2016 की जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई तो स्टार्ट ऑफ द ईयर पर हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो बनती है 11822। लेकिन जो एक्सचेंज हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ है, तो जनवरी से जून तक हमें मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए। अब जब हम अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 65,000 में से जो अब तक की डेप्रिसिएशन है यानी 11822 इसको लेस करके हम लेंगे और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन हमें लेनी होगी क्योंकि जनवरी से जून का टाइम है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 3988। और अब अगर हम टोटल डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की डेट तक देखते हैं यानी जून तक, यानी 1 जुलाई को जब डिस्पोजल हुआ है, तो दैट वुड बी 15810। अब हम वंस अगेन डिस्पोजल की टिपिकल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने की तरफ जाएंगे। पहला ही स्टेज ये है कि हमारा जो एसेट है उसकी कॉस्ट 65,000 थी, तो इसको एसेट के कॉस्ट अकाउंट में से निकाल कर एसेट के कॉस्ट अकाउंट को कम करेंगे और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा। यानी एंट्री जो हमारी है वो है बेसिकली डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट का कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करना है, तो वो हमने कैलकुलेट किया डिस्पोजल डेट पे 15810। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
इसके बाद हमने इस कॉन्टेक्स्ट में 80,000 कैश भी पे किया है एक्सचेंज के अंदर, तो वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसकी एंट्री होगी डिस्पोजल डेबिट और कैश क्रेडिट। जो न्यू एसेट हमें मिला है इसमें, वो रिकॉर्ड होना चाहिए हमारा 120,000 का। तो जब न्यू एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे तो 1 जुलाई को वो रिकॉर्ड हो जाएगा, 40,000 फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड 80,000, तो टोटल 120,000 पे। और हम क्रेडिट कर देंगे इस अमाउंट से डिस्पोजल अकाउंट को, क्योंकि जब नया एसेट आपको डिस्पोजल या एक्सचेंज की वजह से मिलता है तो एंट्री है न्यू एसेट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब यहां पर भी जो नया एसेट था और सारा कुछ था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चीजों को लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसेट अकाउंट है तो इसका अगर टोटल करते हैं तो 920,000 बनता है। दूसरी साइड पर टोटल ये नहीं बनता, लेकिन हम लिखेंगे यही। और ईयर एंड जो हमारा है उस पर हमें कैरी डाउन बैलेंस पता चल जाएगा 803,000। अब जाहिर बात है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी कैलकुलेट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी और उससे अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि डेप्रिसिएशन की कितनी अमाउंट बनती है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए फिर एक और वर्किंग बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की वर्किंग डिफरेंट स्टाइल्स के साथ की जा सकती है, लेकिन हम अक्सर ये एक टेबुलर फॉर्मेट यूज करते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और इसका फायदा हमें ये होता है कि इस तरीके से डेप्रिसिएशन को ना सिर्फ एक कैलकुलेट हो जाती है बल्कि उसको समझना भी काफ़ी आसान होता है। तो इस टेक्निक में हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टोटल ओपनिंग एसेट्स कितने हैं। तो जैसे क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नंबर 1 में बताया हुआ है कि ओपनिंग टाइम पर इंफॉर्मेशन 1 में कि 800,000 और 333,000, तो ये हम मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि जो रेट है वो 15% है, और आगे टाइम पीरियड देख लेंगे। डिस्पोजल की अब बात करते हैं, तो पहला जो हमारा एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है वो 52,000 का था, और उसकी साल के शुरू में जो डेप्रिसिएशन थी वो 20065 थी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, और यहाँ से रिटर्न डाउन वैल्यू भी आ जाएगी। हमें ईयर स्टार्ट की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने ओपनिंग टाइम के एसेट लिए हैं। अच्छा, सेकेंड एसेट जो है वो 65,000 उसकी कॉस्ट है, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर स्टार्ट पर 11822 की थी, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। और उसके बाद हमें बाकी एसेट्स जो हैं उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू मिल जाएगी। अब हम रिटर्न डाउन वैल्यू में इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो टोटल ओपनिंग में से आप दोनों डिस्पोजल को माइनस करेंगे 467 में से, तो आपके पास बाकी एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि इन सब पर जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 15% है। डिस्पोजल 1 जो है उस पर, जैसे यहाँ पर भी हमने जनवरी से अप्रैल तक की 4 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है जो कि 1597 बनेगी। डिस्पोजल 2 वाला जो एसेट है उस पर जनवरी से जून तक की डेप्रिसिएशन यानी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी यानी 3988। और जो एसेट डिस्पोज नहीं हुए और साल के ओपनिंग के टाइम पे भी मौजूद थे उन पर पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए यानी 5728। अब डिस्पोजल और ओपनिंग एसेट कवर हो गए, लेकिन एडिशन वाले एसेट ओपनिंग के टाइम पर मौजूद नहीं थे तो उन पर हमें अलग से भी डेप्रिसिएशन लेनी पड़ेगी। अब एडिशन जो नए एसेट्स का हुआ है वो क्वेश्चन में हमने यहाँ पे देखा है कि 120,000 का ये एसेट है जो नया ऐड हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि करंट ईयर में एडिशन हुआ है तो इसकी अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कोई नहीं है इसकी, यानी इस वक्त बुक वैल्यू भी 120,000 है। इसके ऊपर हम 15% के हिसाब से, और क्योंकि 1 जुलाई को एक्सचेंज हुआ था तो जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ का टाइम बनता, 9,000 की डेप्रिसिएशन बनेगी। टोटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो आ जाएगा सारी डेप्रिसिएशन का 71868। अब ये हम जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे थे यहाँ पर हमें ये फिगर पता चल गई, और जब ये फिगर पता चली तो हम यहाँ टोटल कर लेंगे 404868। दूसरी साइड पर भी सेम मेंशन करेंगे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें कैरी डाउन बैलेंस मिल जाएगा 367396। तो ये दूसरा अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तीसरा अकाउंट अब है हमारे पास डिस्पोजल का, जिसमें अगर हम नोटिस करें तो हमारी डेबिट साइड का टोटल 202,000 बन रहा है लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल 191472 बन रहा है, यानी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो हम
सेम टोटल दोनों तरफ मेंशन करेंगे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर यहां पर हमें लॉस ऑन डिस्पोजल पता चलेगा क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट है। टेन फाइव टू एट, तो इस तरीके से हमारा कॉस्ट का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।